अगर बैंक का कोई स्टाफ आपके साथ बदतमीजी करता है, आपका काम सही से नहीं करता है और वो टारगेट में लेकर के आपके काम को जो है जानबूझ करके डिले कर रहा है, तो ऐसे में आप उसकी कंप्लेंट कहाँ करेंगे? सिंपल सी बात है, जिस ऑफिस का स्टाफ जो है बदमाशी करता है, नौटंकी करता है और जानबूझ करके परेशान करता है, उसका कंप्लेंट उस ऑफिस के मैनेजर को किया जाता है, राइट? अब बैंक का बात है तो बैंक की बात में जो है बैंक का स्टाफ मनमर्जी कर रहा है तो आप किसको कहेंगे? बैंक मैनेजर को। लेकिन होता यह है कि बैंक मैनेजर और बैंक का स्टाफ सब एक दूसरे से मिला जुला हुआ होता है, क्योंकि वो एक ही ऑफिस का है। वो लोग ये सोचता है कि कस्टमर आज आया है, आज कंप्लेंट किया है, रहना सबको साथ में है, इसीलिए सब कुछ मैनेज हो जाता है और जल्दी कोई एक्शन नहीं होता है, जिस कारण से जो भी स्टाफ मैनेजर का नज़दीकी होता है उसका मन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ज़्यादा मनमर्जी करता है और जानबूझ करके आपको इरिटेट करेगा और जानबूझ करके हो सकता है कि आपका काम में बहुत ज़्यादा डिले करेगा। अब ऐसे कंडीशन में आप सोचेंगे कि इस मैनेजर का कंप्लेन कहाँ करें जिससे कि मैनेजर काम करे। देखिए सिंपल सी बात है, बैंक में आप जाते हैं आप अपना रखा हुआ पैसा को निकालने के लिए या अपने पैसे को रखने के लिए। अब पूरे बैंकिंग सिस्टम जो चल रहा है वो आपके पैसे पर चल रहा है, कस्टमर के पैसे पर चलता है। ऐसे में जब आप कस्टमर हैं, मतलब कि आप ओवरऑल आपके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होता कि इसका कंप्लेन कहाँ करें, कैसे ये सब का नौटंकी ठीक होगा, तो आप इस वीडियो को देखिए और फिर जो आपको समझ आ जाएगा कि किसका कंप्लेन कहाँ करें जिससे कौन जो है लाइन और रास्ता पर आ जाएगा, जिससे आपका काम बाद में कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और बहुत आसानी से काम हो जाएगा। चूँकि ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ भी पास्ट में हुआ है। बहुत सारे बैंक का स्टाफ मनमर्जी करता था, काम सही से नहीं करता था और जानबूझकर गलत शब्द का इस्तेमाल भी करता था। उसे लगता था कि बस जो मैं बोलूंगा वही होगा, बाकी जो कस्टमर है ये चुपचाप चला जाएगा। लेकिन इसके बाद जब मैं लोगों से पूछा, जो इस फील्ड का जो है सीनियर लेवल पे थे, मेरे कॉन्टेक्ट के रिलेटिव थे, उन्होंने जो गाइड किया वही चीज मैं आपको बता रहा हूं और मेरा भी काम आसानी से हो गया और आपका काम भी आसानी से 100% हो जाएगा। अब ये कैसे होगा ये समझिए। देखिए बैंक में जो स्टाफ होता है उसका कंप्लेन मैनेजर के पास आपको एक लिखित में करना है। इसके बाद भी अगर एक्शन नहीं होता है तो क्या करना है, बैंक मैनेजर का कंप्लेन और अपने ब्रांच का कंप्लेन आप जिस बैंक में आप अकाउंट रखे हुए हैं और जिस बैंक में आप गए हैं प्रॉब्लम हुआ है उस बैंक के जो हेड ऑफिस होगा वहां कंप्लेन करना है। अब आप कहेंगे कैसे पता करें हेड ऑफिस कहां है, और दूसरी बात की जो कंप्लेन करने का एड्रेस या कोई मतलब कि ऑनलाइन करना है वो तरीका क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर जिस बैंक में आप कंप्लेन कर रहे हैं या बैंक में अकाउंट है आपका, जिस बैंक के बारे में जानकारी लेंगे तो आपके पास पासबुक होगा, उस पासबुक पे बैंक का हेड ऑफिस का एड्रेस, इसके बाद वेबसाइट और ईमेल आईडी दोनों होगा। अगर आपको ये पासबुक में नहीं मिलता है तो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके सिंपली सर्च करके इसके बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ का फ़ोन नंबर होगा और वहाँ का एड्रेस होगा और साथ साथ जो है आपको एक ईमेल आईडी भी मिलेगा, आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप उस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस बैंक के स्टाफ को मैनेजर को कंप्लेन करना है वहाँ पर जाएंगे तो कंप्लेंट का एक सेक्शन अलग से होगा, जहाँ पे आप जो है आप अपने ब्रांच मैनेजर का नाम, ब्रांच में स्टाफ अगर नाम पता है तो बेहतर है, नहीं तो पोस्ट तो पता ही होगा कि कहाँ पे बैठता है, किस पोस्ट पे वो है, वो मेंशन करके आप पूरा डिटेल में आप लिख देंगे तो आपको एक टिकट जनरेट हो जाएगा, उस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे हो जाएगा और वो कंप्लेन जो है सब जगह दिखेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह रहेगा जो आपके कंप्लेन को दबा देगा, अब वो हो जाएगा हेड ऑफिस में कंप्लेन। अब हेड ऑफिस में होगा तो वहाँ का जो कंप्लेन देखने वाले जो लोग होंगे, जो कंप्लेंट देखे होंगे, वो जो शिकायत देखने वाला सेक्शन होगा वो जो है आपके ब्रांच पे या जिस बैंक में घटना हुई, जिस बैंक का स्टाफ बदमाशी कर रहा है उसके मैनेजर का क्लास लिया जाएगा, स्टाफ को नहीं लिया जाएगा, तो एज ए मैनेजर जल्दी जल्दी करेगा। लेकिन जरा एक बात सोचिए कि हो सकता है कि बैंक का ही गलती हो कुछ ऐसा, जो कंप्लेन आप करना चाह रहे हैं जिसमें बैंक समझ रहा है कि अगर ये चीज जो बाहर आ गया तो ऐसे में उसका कस्टमर बेस भी टूटेगा, ट्रस्ट भी टूटेगा और लोगों को जो है मन में लग जाएगा कि बैंक की गलती है, बैंक जो है मतलब कि गलती किया है, तो अपना गलती कोई उजागर नहीं करता, ऐसे में सारे स्टाफ एक हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे गलती बैंक का होगा और सब अपने अपने ब्रांच जो इसमें काम कर रहा है या बैंक कर रहा है उसको बचाने में लग जाएंगे। कोई ऐसा गलती हो गया, मान लीजिए जैसे पैसे की लेन देन हो गया या कहीं पैसा फंसा हुआ है, अब गलती बैंक का हो गया, टेक्निकल फॉल्ट के कारण हो गया, जो भी रीजन होगा,
अब इसका कंप्लेन कहाँ करें? ऐसे में आप कहीं पे भी कंप्लेन करेंगे, कहीं का मतलब है चाहे आप बैंक के ऑफिस में जाइए, मैनेजर के पास जाइए या हेड ऑफिस पे कंप्लेन करिए, हो सकता है आपको कोई सुनेगा भी नहीं और हो सकता है कि डिले करेगा। फिर ऐसे कंडीशन में क्या करें? तो ऐसे कंडीशन में आपके पास लास्ट में है मॉनिटरिंग बॉडी। मॉनिटरिंग बॉडी का मतलब हो गया जो बैंकिंग सिस्टम है, जहाँ पे भी फाइनेंशियल लेन देन हो रहा है वहाँ पे सारे जो भी है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो भारत सरकार के द्वारा एक मॉनिटरिंग बॉडी बनाया जाता है। और ऐसे में बैंक और जो भी मतलब फिनांस करने वाली कंपनी है, इसका मॉनिटरिंग बॉडी कौन है? इसका मॉनिटरिंग बॉडी है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अपने देश में जो भी बैंकिंग का लेन देन हो रहा है, चाहे बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग हो, मतलब बैंक्स हो या NBFC हो। अब कहेंगे NBFC क्या है? NBFC जैसे फिनांस करने वाला कंपनी होता है, आप जाते हैं तुरंत में जो इंस्टेंटली आपको लोन दे दिया जाता है, सिंपल आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर के लोन देते हैं, वो सब NBFC होते हैं। प्राइवेट से जो देखते हुएगा आप भी जानते हैं, जैसे गाड़ी फाइनेंस करवाता है लोग, टू व्हीलर फोर व्हीलर कराता है, वो सब NBFC के अंदर आता है। तो ये जो कंपनियां है ये सब रेगुलेट हो रहा है RBI के गाइडलाइंस के अनुसार। अब ऐसे में अगर ये सब का अपना गलती है, इसमें इसका स्टाफ तो कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि उसको अपना कंपनी ओवरऑल बचाना है, अपना बैंक बचाना है, अपने बैंक के साइड लेगा, तो फिर लास्ट में RBI के ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब कंप्लेन करेंगे तो इसके लिए आपके पास पहले से ही जो भी प्रॉब्लम है जिस बैंक से रिलेटेड है या जो भी शिकायत है, वो आप पहले से कंप्लेन उस बैंक के ब्रांच में दिए होंगे, उसका कॉपी लगाना पड़ेगा और कम से कम एक महीना होना चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट जो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल रहेंगे तो ऐसा तो है ना कि बिना छोटा सा छोटा काम हुआ आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाए, ऐसा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप अपना नीचे वाले कोर्ट से पहले काहे नहीं गए, वहाँ पे क्यों नहीं सॉल्व किए, लास्ट कंडीशन में पहुँचा जाता है। तो वैसा ही यहाँ पे भी है, आप डायरेक्ट छोटा सा प्रॉब्लम है अब लाके डायरेक्ट आप RBI के पास पहुँच जाएंगे लेकर के, तो फिर ऐसे में हो जाएगी दिक्कत। इसलिए RBI कहता है कि मेरे पास कंप्लेन करने से पहले बैंक में जाइए, कंप्लेन करिए, और कंप्लेन का टाइम पीरियड मिनिमम जो है 1 महीने जरूर होना चाहिए। तो आपको एक रास्ता मिला, एक आइडिया मिला, इस रास्ते को अपनाइए, 100% गारंटी है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, पैसा फ्रॉड वाला केस अगर आता है और सोच रहे इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा, तो 90% चांस मैं कह रहा हूँ करंट में, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ इस डेट तक जो है पैसा रिटर्न जल्दी नहीं आता है। तब तक जब तक कि आप बहुत बड़े पॉपुलर पर्सन क्यों ना है, बहुत फेमस पर्सन क्यों ना है, इस मामले में बैंक सोचता है मेरा ट्रस्ट टूट रहा है, तब जाकर के पैसा रिटर्न कर भी देता है। लेकिन अदर केसेस में नॉर्मल पर्सन का जो है फ्रॉड का केस जब जाता है तो बैंक वाले जल्दी पैसा रिटर्न नहीं करते हैं, कहते हैं कस्टमर का गलती है, ये सब कह के बच जाते हैं। तो आई होप एक आइडिया आपको मिल गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यू प्रोवाइड हुआ इस वीडियो से, तो लोगों को हेल्प करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए, और शेयर नहीं कर सकते हैं तो जो जानकारी सुने, जो जानकारी समझे, इस जानकारी को दूसरे के साथ डिस्कस करके उनमें अवेयरनेस फैलाइए, लोगों को जागरूक करिए। एनीवे, मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फॉर्म के साथ अगले वीडियो में।